मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो फटाफट से जान लीजिए कि UPSSSC PET का जो एग्जाम आपका होने वाला है वो 20 अगस्त को होगा और 20 सितंबर या 25 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। इतनी तेजी से वैकेंसी फिल की जाएंगी, 30,000 वैकेंसी आपकी इस समय दी गई है। इसमें समूह गा में यानी कि ग्रुप सी में आपकी 30,000 भर्तियों को पूरी करनी है, जिसमें से 8,000 पद जो होंगे वो आपके लेखपाल के होंगे और जो 9,000 पद के आसपास होंगे वो आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के पास आसपास होंगे, बाकी भारतीय राजस्व से संबंधित और भी कुछ पद मिलाए जाएंगे। तो 30,000 पदों को पूरी करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उठा ली है। ये जिम्मेदारी उठाने का एक पीछे मकसद भी है, अगले साल आपका चुनाव भी है, तो चुनाव से पहले पहले मुझे लगता है कि जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जाएंगी वो फटाफट से भर दी जाएंगी। तो जैसे नेता, हमारे नेता चुनाव से पहले, हमारे नेता जो चुनाव से पहले कुछ वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वादा नहीं पूरा करते, तो हम लोग को भी यही अवसर मिला है कि जब तुम वादा पूरा करने वाले हो तो उस वादे को हम जल्दी से उठा ले, ठीक है। तो वो मौका आपके पास आ गया है, वो सुनहरा मौका आपको मिल गया है। UPSSSC PET 20 अगस्त को होने वाला है। 21 लाख फॉर्म पड़े हैं, 21 लाख फॉर्म पड़े हैं। जो पीटी परीक्षा पास करेगा वही जाकर मेंस की परीक्षा दे पाएगा। तो पीटी में ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, 5-5 नंबर की सब चीजें आ रही हैं। आपको जीएस और हिंदी पर फोकस करना है, आपको जीएस और हिंदी पर ज्यादा फोकस करना है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। तो बाकी अगर कोई समस्या हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और समीक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे की जाए ये हम आपको कल बताएंगे, संडे को आप शाम को हमको मिलिए और मैं आपको बताऊंगा RO और ARO में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है ना, और पिछले साल के जो पेपर है उनको कैसे एनालाइज किया जाए। तो UPSSSC PET के बारे में मैंने आपको बता दिया और बहुत जल्दी अभी UPSI की भी सूचना आपके सामने मिलेगी। दोनों पेपर लगभग इसी वर्ष में हो जाने चाहिए, तो आपको अपनी कमर की पेटी कस लेनी है और हमारे साथ जुड़ जाना है। अब हम डेली 2 घंटे 2 क्लास के आसपास YouTube पर आएंगे और बाकी जो ऐप पर क्लास चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।